हाड़ी वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ईयर। हेलो दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का इस टेक देखो चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे मोटो ई पावर का, जो अभी भी लॉन्च हुआ है। आप फ्लिपकार्ट से इसे परचेज कर सकते हो। एक बढ़िया सा ऑफर था, वो अभी जा चुका है, जिसमें आपको SBI डेबिट कार्ड में कुछ 800 रुपीज का कैशबैक, इंस्टेंट कैशबैक मिल जाता, प्लस यानी कि इन शॉर्ट वो डिस्काउंट ही है, प्लस 32 GB का सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD कार्ड मिल रहा था, वो भी फ्री में अवेलेबल था, और प्लस आप एक्सचेंज भी कर सकते थे। तो एक्सचेंज ऑफर अभी रनिंग है, लेकिन वो दो चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। खैर, फिर भी आपको मैं आज मोटो ई पावर के बारे में बता देता हूँ। सो मोटो ई पावर की प्राइस है 7999, यानी कि लगभग 8000 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, आई नो, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको लेनोवो के 5 प्लस भी मिल जाता है, जो कि 5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है, लेकिन ये 5 इंच का HD डिस्प्ले के साथ आता है। खैर, इसके अंदर आपको मेन तो स्मार्टफोन मिल जाता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। साथ में एड ऑन आपको मैनुअल्स मिल जाते हैं और एक स्क्रीन प्रोटेक्शन कार्ड मिल जाता है, जो कि आजकल बहुत कम कंपनियां देती है। एक सिंपल सा डिसेंट सा आपको ईयरफोन मिल जाएगा, एक प्लास्टिक ब्लेड है लेकिन मोटोरोला ब्रांडेड है, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है। एक लंबा सा, इतना लंबा नहीं है, वीडियो में दिख रहा होगा, तो आपको चार्जर मिल जाता है। ये चार्जर 5.2 वॉट्स 2 एम्प्स पे चार्ज कर लेता है। आप स्क्रीन पे शायद देख पाओगे या नहीं, हाँ आप ये शायद देख पाओगे। खैर, ये जो स्मार्टफोन है मोटो ई पावर, ये 10 वॉट का रैपिड चार्ज सपोर्ट करता है। तो आई गेस अगर आप सपोर्टेड चार्जर लोगे तो उससे चार्ज करोगे तो फटाफट चार्ज हो जाएगा। खैर, इससे भी चार्ज हो जाता है। सो बात करते हैं मोटो ई पावर की। आप स्क्रीन पे देख पाओगे मोटो ई पावर कैसा दिखता है। आपको मैं इसका पहले तो फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ, और बाद में करेंगे मुद्दे की बात कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो फोन में आपको फ्रंट में 5 इंच का HD डिस्प्ले मिल जाता है, सामने की साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन LED लाइट मिल जाएगी, आई गेस हाँ यहाँ पे दिखेगी आपको, अभी दिख रही होगी। साथ में कुछ प्रॉक्सिमिटी और लाइट सेंसर्स मिल जाएंगे आपको, प्लस ईयर पीस मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फ्रंट में स्पीकर दे रखा है, यानी कि नीचे और बैक साइड में स्पीकर नहीं है, आपको फ्रंट में स्पीकर मिल जाएगा जो कि लाउड है, मैंने ट्राई टेस्ट कर लिया है। इस साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा, आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाएगा, ये साइड पूरा एम्प्टी दे रखा है। 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाएगा, नीचे USB पोर्ट मिल जाएगा, आई गेस यू कैन सी, नीचे यहाँ से आप बैक कवर ओपन कर सकते हो, वापस से दिखा देता हूँ। और बैक साइड जो है वो बहुत ही बढ़िया फिनिश का है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो है टेक्सचर फील है, तो ग्रिप अच्छी रहेगी, क्योंकि आजकल मेटल फोन के स्लीपर ये हाथ में आके स्लिप हो जाते हैं, लेकिन ये इसकी वजह से ग्रिप अच्छी रहेगी। बैक साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा मिल जाता है, LED फ्लैश बहुत ही ब्राइट है, ये मैंने ट्राई और टेस्ट किया है। सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है, मिक मिल जाता है। आई गेस मैंने फिजिकल ओवरव्यू दे दिया है। अब डिज़ाइन की बात करें जाए तो आई गेस मोटोरोला का यही फंडा है कि इस ईयर अगर वो मोटो ई निकाले या मोटो जी निकाले, कोई भी निकाले, उन सबकी डिज़ाइन सेम रहती है। इस हिसाब से आपने अगर मोटो जी देखा हो या फिर मोटो G4 Plus देखा हो, तो उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज आपको इसी टाइप की दिखेगी। खैर, पीछे का हिस्सा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। प्लास्टिक है तो आप देख सकते हो कि मुड़ रहा है, ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे एक आप स्क्रीन पर देख पाओगे अच्छा सा दे रखा है, ताकि हीट कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आ पाए। रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है आपको, मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ। मोटोरोला ब्रांडेड की बैटरी है, 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है आपको। यहाँ पे 2 SIM कार्ड यूज़ कर सकते हो, अलग से माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं दे के रखा। आई गेस मैंने इसके बारे में सब चीज़ें तो ओवरव्यू दे दिया। अब बात करते हैं इसके फिजिकल स्पेसिफिकेशन की, हार्डवेयर की। तो इस स्मार्टफोन में आपको वही 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है, 720p का डिस्प्ले है, आप 2 SIM लगा सकते हो, 4G LTE सपोर्ट करता है, यानी कि जियो की सिम आप इसमें यूज़ कर सकते हो। प्रोसेसर की बात की जाए तो थोड़ा सा डाउन कर दिया है, MediaTek का 6735P का प्रोसेसर दे रखा है, जिसका क्लॉक स्पीड है 1 GHz, Cortex A53 पे बेस्ड है, कोर प्रोसेसर है। लेकिन यार
8000 आप चार्ज कर रहे हो तो कम से कम थोड़ा ढंग का प्रोसेसर दे देते। लेकिन इस बार यानी पहले क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज किया जाता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया है आपने। हमें 2 GB का रैम मिल जाता है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, माइक्रो एचडी कार्ड से आप 32 GB एक्सपांड कर सकते हो। तो जैसे कि आप फोन में देख सकते हो कि इतने ज्यादा ब्लोटवेयर नहीं दे रखे, थोड़े गिने चुने ही है, और वही सिंपल सा डिजाइन है। ऊपर नोटिफिकेशन और बहुत कम नोटिफिकेशन के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। खैर मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देता हूँ कि अभी ये करेंटली मार्शमेलो पे रन कर रहा है और फ्यूचर का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और इसमें मैं आपको मेमोरी दिखा देता हूँ कि आउट ऑफ 1 GB आपको 1.2 GB फ्री मिल जाती है, आप स्क्रीन पे देख पाओगे अभी। और आपको इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो आउट ऑफ 16 GB आपको लगभग 12 GB मिल जाता है, तो भी बढ़िया है, बहुत कम यूज कर रहे हैं बाकी सब ऐप्स। और 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि बहुत बढ़िया है। अभी फिगर कैलकुलेट मत कीजिएगा कि यार उसमें 4000 है और मेरे वाले में 3500 है, उसका 4000 वाला बेटर परफॉर्म करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि ये मोटोरोला है, आप चेक कर सकते हो मोटोरोला है, तो इसके अंदर कोई स्टॉक एंड्रॉयड आता है। मार्शमेलो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है स्टॉक एंड्रॉयड है, ऊपर कोई भी लेयर डाली हुई नहीं है, तो इन शॉर्ट आपके जो लेयर जो ज़्यादा बैटरी खींचता है वो इसमें नहीं है, स्टॉक एंड्रॉयड है, तो स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है आपको। इसी वजह से आपको इतना हैवी प्रोसेसर की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। प्लस बैटरी जो होती है जो 4000 के हिसाब से इसमें 3500 बुरी बात नहीं है, अच्छा चल जाता है स्मार्टफोन। तो मुद्दे की बात की जाए तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। वेल 8000 में अगर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है तब तो थोड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि 8000 में ये स्मार्टफोन के लिए आप क्यों 8000 प्रोवाइड करो। खैर अगर मेरी बात की जाए तो मैंने इसमें 800 का डेबिट कार्ड से निकाल लिया था, 800 कम हो गया था, प्लस 32 GB का माइक्रो एचडी कार्ड मिल गया था मेरे को, प्लस जो पुराना मोबाइल था वो निकाल दिया था, तो 5700 में मेरे को लगभग स्मार्टफोन मिल गया था जो कि डिसेंट सा है। क्या स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते। प्लस पॉइंट ये है कि 10 W का क्विक चार्ज रैपिड चार्ज जो है वो सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। फ्यूचर में आपको जो OS अपडेट है वो मिलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि इन शॉर्ट आपको अगर फ्यूचर में चाहिए हो तो ये स्मार्टफोन आपको जल्दी से जल्दी, यानी कि आप वो लोग होंगे कि भाई कोट वोट पहन के आप लाइन में आ गया रहोगे, मुझे अपडेट दीजिए, सीधा अपडेट आपके मोबाइल में आएगा, तो प्लस पॉइंट है। प्लस इसमें कोटिंग कर रखी है, इसका मतलब स्प्लैश प्रूफ है, अगर आप बारिश में अगर बूंदे कुछ गिरे पानी का तो फोन डैमेज नहीं होगा, गारंटी नहीं दे सकते लेकिन चांसेस है कि स्प्लैश प्रूफ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो अगर आप अपने मॉम डैड के लिए लेना चाहते हो तो सही है, क्योंकि आप अगर कुछ कीड़े करोगे स्मार्टफोन के साथ में तो ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर इतना नहीं है, कुछ खास नहीं है प्रोसेसर। प्लस जो कि एवरेज जो चीज़ें दे रखी है 5 inch HD और जो रैम दे रखा है वो सब आपको 8000 में अब मिलने लग गया है, तो वो नवाई की बात नहीं है, कोई हटके बात नहीं है। तो आई गेस दिस इज इनफ टू टेल कि भाई नॉर्मल सा स्मार्टफोन है, अगर आप मॉम डेड के लिए लेना चाहते हो तो ले लीजिए, थोड़ा डिस्काउंट करके लीजिएगा, थोड़ा ट्रिक अभी कुछ फेस्टिव सीजन चालू होने वाला है तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा, उसमें कुछ डेबिट कार्ड या HDFC डेबिट कार्ड कहीं कहीं से डिस्काउंट जुगाड़ के लगा के आप ले सकते हो। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए उस रेड वाले बटन को हिट करके, और जल्दी लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू टेक। देखो।